अध्ययन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। मैं सुधीर आज मैथ्स में क्रैश कोर्स लेकर आया हूं। ये क्रैश कोर्स एनडीए एयरफोर्स नेवी जेई में सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से देखो, समझो। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे बुक से कलेक्ट किया हुआ है। ये सब क्वेश्चन इसी पैटर्न पर काफ़ी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज मैं मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसको आप लोग अच्छी तरह से देखो समझो। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पहला क्वेश्चन हम लोग का है। ये पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू, इफ़ x इक्वल टू माइनस फाइव प्लस टू रूट माइनस फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो इसको सोल्यूशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो सोल्यूशन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि x का डायरेक्ट ये जो वैल्यू दिए हुए हैं, डायरेक्ट भी x का जो ये वैल्यू दिए हुए हैं, इसको हम लोग क्या करें कि इसको पुट करें x का वैल्यू और फाइंड करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये जरूर निकल जाएगा। लेकिन उतना लंबा प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होगा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाए। तो इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, वो है x इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें माइनस फाइव प्लस टू रूट, ये हम लोग का पता है कि फोर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है। ये माइनस फाइव अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू प्लस आयोटा रूट फोर, आयोटा रूट फोर हो जाएगा, जो कि x प्लस, जो कि हो जाएगा क्या हम लोग का, x प्लस फाइव इक्वल टू टू, और ये बच जाएगा हम लोग का क्या, अगर बाहर यहाँ पे टू था, टू तो ऑलरेडी था ही, तो x प्लस एक्स इक्वल टू फाइव, आई एम सॉरी यहाँ पर हम लोग का ये चीज़ गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर x प्लस फाइव इक्वल टू टू आयोटा रूट फोर हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर ये टू इंटू टू आयोटा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा x प्लस फाइव इक्वल टू फोर आयोटा। ये समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे ना, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, इधर साइड में कर लेंगे, इसको क्या करेंगे स्क्वायरिंग। अच्छा, जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे क्या होगा, x प्लस फाइव का स्क्वायर इक्वल टू फोर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ बचेगा क्या हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू माइनस सिक्सटीन। अच्छा, मतलब कि इसको अगर सॉल्व करेंगे फाइनली तो एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस फोर्टी वन हो जाएगा, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा और ये इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये एक वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब इस वैल्यू का यूज करेंगे हम लोग उसके लिए। अब जो ये दिए हुए क्वेश्चन में हम लोग है जिसका वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का, इसको क्या करते हैं ना, इसको इससे डिवाइड करते हैं एक बार। क्यों करेंगे अभी बाद में समझ में आएगा। तो करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या दिया हुआ है, x टू द पावर फोर प्लस नाइन एक्स क्यूब प्लस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर। इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड जो हम लोग का अभी रिजल्ट आया था, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस फोर्टी वन। अच्छा, पहला चीज हम लोग इसे किससे डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का, यहाँ पर बचेगा एक्स पावर फोर प्लस प्लस टेन एक्स क्यूब प्लस फोर्टी वन एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आया। फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से हम लोग का बचेगा क्या, माइनस एक्स क्यूब। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का बच जाएगा माइनस सिक्स फोर्टी वन, ये सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर। ये सब नीचे कर दिए हम। फिर इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे किससे, माइनस एक्स से। माइनस एक्स से करते हैं क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। फिर क्या बच जाएगा, ये माइनस माइनस टेन एक्स स्क्वायर, माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी वन एक्स, ठीक है।
ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से बचेगा क्या हम लोग का 4x² माइनस फोर्टी टू एक्स, आई एम सॉरी माइनस फोर्टी वन, और ये माइनस एक्स, -42x + 4। अच्छा अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हम लोग को फिर से अगेन मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि आएगा कितना 4 से, 4 करेंगे तो यहाँ 4x² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं ना, तो प्लस फोर करते हैं, ये क्या हो जाएगा +4x² प्लस, यहाँ से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, ये प्लस नहीं ये माइनस होना चाहिए था यहाँ पर, आई एम सॉरी ये प्लस थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हुआ है, यहाँ माइनस होना चाहिए था, जो कि ये हो जाएगा, यहाँ माइनस से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से, तो ये -41 होगा, और ये -41 होने के कारण माइनस होगा, जो कि यहाँ पर आ जाएगा हम लोग करके फाइनली प्लस आ जाएगा, तो प्लस आते हैं ये क्या हो जाएगा +40x हो जाएगा, +40x, और ये +4 हो जाएगा, तो 4x² करेंगे फिर प्लस कितना हो जाएगा 40x, और ये माइनस हो जाएगा हम लोग का कितना 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 41 4 और 160, ठीक है ना, और ये प्लस में रहेगा, ठीक है। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल, और ये माइनस आ गया 160। ये जो -160 रिमाइंडर आता है वही हम लोग का आंसर हो जाता है, -160 ही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये कैसे, अगर ये कोई पूछेगा तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एक बच्चे क्लास में हम लोग पढ़े थे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोसेंट, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, होता है ना, डिविडेंड में जो हम लोग क्वेश्चन दिए हुए था वो चीज़ हो गया, उसी का वैल्यू निकालना है। डिवाइडर में हम लोग का हो गया x² + 10x + 41, इंटू कोसेंट में क्या हो गया x² - x + 4, और प्लस रिमाइंडर आ गया कितना हम लोग का -160। अच्छा इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी इसके पहले फाइंड कर चुके हैं, वो आया कितना 0, यहाँ पर आया क्या 0, तो उसको अगर 0 हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, और फाइनली -160, ये -160 किसका वैल्यू आ गया, वही जो क्वेश्चन था इसका, इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग कौन सा -160 बी ऑप्शन। होप आई विल आप लोगों को समझ में आया होगा, जैसे कि यहाँ पर x = -5 + 2√-4 है, ये -4 का हम लोग आयोटा स्क्वायर लिख दिए, आयोटा स्क्वायर से ये सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचे, इसके बाद इसका स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करते ही ये टर्म आया, इसका वैल्यू हो गया 0, इससे जो आया वैल्यू, इससे इसको जिसको फाइंड करना है उसको डिवाइड करना है, डिवाइड करते ही हम लोग का आ जाएगा क्या, डिवाइड क्वेश्चन आ जाएगा ये वाला, और रिमाइंडर आ जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट टाइम इंडिया में आ चुका है, चलो ठीक है, फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ a² - 1 + 2a - 1। अच्छा ये क्वेश्चन को अगर हम लोग बात किया जाए, इस क्वेश्चन में ये देखो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब फाइनली इसका स्क्वायर रूट ऐसा कुछ निकालना है। अच्छा इसको निकालते हैं, तो देखो ये a² अच्छा इसका वैल्यू हम लोग को पता है क्या होता है 2a, और ये आयोटा स्क्वायर, 2a आयोटा हो जाएगा क्या, 2a आयोटा माइनस 1 हो जाएगा, 2a आयोटा माइनस 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। अच्छा अब इसके लिए अगर बात किया जाए तो a² + 2 आयोटा - 1 क्लियर है, तो इसका मतलब ये है 2a आयोटा a² हाँ, तो वन सेकेंड -a² - 1 + 2a² + 2a आयोटा, ठीक है। तो अब देखो अब इसको अगर बात करें हम लोग, तो ये किसका कुछ स्क्वायर रूट टाइप का दिख रहा है, कौन सा a + 1, ये a + iota का फॉर्म, इसको अगर हम लोग अच्छे से और लिखें
थोड़ा सेकेंड, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए आयोटा माइनस, अगर हम लोग बात करें आयोटा स्क्वायर का, यहाँ प्लस हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, माइनस वन मतलब माइनस वन इससे बैलेंस हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा टू ए बी, बी की जगह पे क्या हो गया आयोटा। तो कुल मिलाकर हम लोग ये बोल सकते हैं, ये डायरेक्टली हम लोग को दिख रहा है ए प्लस आयोटा का होल स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। इसका स्क्वायर रूट मतलब कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वैसे स्क्वायर रूट होगा और ए प्लस आयोटा का होल स्क्वायर मतलब ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस आयोटा डायरेक्टली जो कि हम लोग को दिख रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। इस आंसर में स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते टाइम शुरू में क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस माइनस वन ले लेते हैं, तो ये हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस ए प्लस आयोटा हम लोग का ये ऑप्शन हो जाएगा। ये डायरेक्टली दिख रहा था हम लोग को कि ए प्लस आयोटा का होल स्क्वायर को अगर इसको ब्रेक किया जाए तो ये हम लोग को यही एक्सटेंशन मिलेगा, इससे हम लोग को पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, अच्छा इसका वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को। एक चीज़ जैसे कि इसका स्क्वायर रूट, फिर अगेन स्क्वायर रूट का ही क्वेश्चन है, 35 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो जब हम लोग x प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते थे तो क्या लिखते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आयोटा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर मतलब स्क्वायरिंग करने के बाद ये वैल्यू आता था, स्क्वायरिंग करने के बाद ये वैल्यू आता था हम लोग का, जैसे कि यहाँ पे क्या होता था, x प्लस आयोटा वाई का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग क्या लिखते थे, ए प्लस आयोटा बी, और जब इसका स्क्वायरिंग करते थे तो क्या लिखते थे, x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा और इधर a प्लस आयोटा बी होगा, जो कि स्क्वायर करेंगे हम लोग क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आयोटा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और क्या होता था टू ए बी इक्वल टू वाई। तो फाइनली यहाँ पर ए बी इक्वल टू वाई बाई टू लिखते थे और इसको सॉल्व कर रहे थे, यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू, दो इक्वेशन दो अननोन, इन दोनों को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग वैसे नहीं करेंगे, ये तो 12 मेथड हो गया, लेकिन यहाँ पर सेम वैसा ही करेंगे, जैसे कि जो भी इसका आयोटा का कोफिशियंट है उसको 2 से डिवाइड, जैसे यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वही चीज़ करना है, जैसे 12 को हम लोग क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, कितना बचा 6 बचा। अब इस 6 को बैलेंस करना ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फैक्टर पहले निकालना है, फैक्टर निकालेंगे अगर हम लोग क्या आएगा, 2 3 3 1 मतलब 2 × 3 × 1। अब इसी फैक्टर का यूज करके हम लोग को ऐसे बैलेंस करना है कि ए का वैल्यू क्या होगा बी का वैल्यू क्या होगा, जिसका स्क्वायर करने के बाद एक्स वाला वैल्यू आ जाए, एक्स वाला वैल्यू मतलब क्या 35 ही है ना, तो 35। तो यहाँ पर अगर हम लोग करना चाहें 35 लाना है तो एक ये हो सकता है 6 × 1 करने पर अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कहीं ना कहीं से 35 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को ध्यान देना है यहाँ पर कि -35 लाना है, तो -35 लाने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -35 होना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, ए का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये पक्का -35 हो जाएगा। इस तरह ए इक्वल टू आ गया क्या 1 और बी इक्वल टू क्या आ गया 6, तो ए स्क्वायर ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 6, तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या आना चाहिए, ए 1 और बी कितना है 6 आयोटा। अच्छा अब बीच में अगर प्लस है तो यहाँ प्लस ले लेंगे, ये हम लोग का आंसर इसका आ गया, और यहाँ प्लस माइनस ले लेंगे, आई बात समझ में। सेम इसी तरह अगर हम लोग दूसरे के लिए करें तो दोनों में इसमें वैल्यू सेम है, इसका ही वैल्यू तो सेम ही है ना, बस चेंजेस क्या है इसमें, क्या है -35 − 12 आयोटा, अंदर का तो वैल्यू सेम ही है, यानी कि पक्का इसका भी होगा क्या प्लस माइनस 1, और बीच में अगर माइनस है तो माइनस, यहाँ बीच में अगर माइनस है तो -6 आयोटा, ठीक है।
तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आ गया हम लोग का, अब बस इसी का माइनस कर देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है कि किसी भी वैल्यू का जो स्क्वायर रूट होता है उसमें, जैसे कि अगर हम लोग प्लस फोर का स्क्वायर रूट निकालें तो ये हमेशा टू ही लिखते हैं, ना कि प्लस माइनस टू लिखते हैं। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग जो लिख रहे हैं ये प्लस माइनस टू यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, लेकिन फाइनली इसका कैलकुलेशन करते टाइम हम लोग सिर्फ प्लस वैल्यू ही लेकर चलेंगे। प्लस वैल्यू अगर लेना चाहें जैसे कि माइनस 35 प्लस 12 आयोटा, फिर माइनस हम लोग निकालना क्या है, माइनस 35 माइनस 12 आयोटा का वैल्यू अगर निकालना है तो ये इसका वैल्यू हम लोग कितना आया था अभी, इसका वैल्यू आया था प्लस माइनस 1 प्लस 6 आयोटा, तो हम लोग लेंगे क्या 1 प्लस 6 आयोटा, केवल पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे। फिर माइनस इसका वैल्यू कितना आया था 1 माइनस 6 आयोटा, जो कि हो जाएगा 1 प्लस 6 आयोटा माइनस 1 प्लस 6 आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचा कितना हम लोग का 12 आयोटा, ये फाइनली 12 आयोटा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग कितना 12 आयोटा। क्लियर है, एक बार और बता रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक है इसका। शॉर्ट ट्रिक में जो आयोटा का जो कोफिशियंट होगा उसको हम लोग क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद जो बचा उसका फैक्टर निकाल लेना है। फैक्टर निकालने के बाद ये जो फैक्टर निकल गया, इस फैक्टर को ऐसे बैलेंस करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसका रियल पार्ट जो है ना वो बैलेंस हो जाए। तो ऐसे में हम लोग अगर 1 इंटू 6 लेते तो वो आता कितना 35 आता, पॉजिटिव में 35 आता, लेकिन हम लोग को चाहिए था क्या माइनस 35, इसलिए माइनस 35 लाने के लिए हम लोग क्या किए 1 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ए को छोटा लिए और बी को बड़ा लिए तभी ना निगेटिव आएगा, तो ये वैल्यू माइनस 35 आ गया, इससे बैलेंस हो गया। और जो आंसर लिखेंगे वो अगर ए प्लस आयोटा भी लिखना है तो 1 प्लस 6 आयोटा, बीच में अगर प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, बीच में अगर माइनस है तो वहाँ माइनस रहेगा। अरे बस सुनिए इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी में आ चुका हुआ है, ये एडवांस का क्वेश्चन है ये। इफ़ अल्फा बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इफ़ अल्फा बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस, ये सांस का क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, मतलब कि अल्फा का वैल्यू डायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि ओमेगा है और बीटा क्या है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग वैल्यू फाइंड करना है अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू फाइंड करने में अल्फा की जगह ओमेगा पुट कर देते हैं, ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बीटा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 4 प्लस 1 बाई अल्फा बीटा हम लोग बोल सकते हैं इसको, फिर यहाँ पर ओमेगा टू द पावर 4 को ओमेगा बोल सकते हैं, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, ये ओमेगा टू द पावर 8 हो जाएगा, फिर प्लस ये 1 बाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ओमेगा प्लस ये ओमेगा 8 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, और ये 1 बाई ओमेगा क्यूब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, ये प्लस 1 हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या होता है 0 होता है। कैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट हम लोग का 0 ये हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखो यहाँ पर दिए हुए क्या 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 1 बाई 2 ओमेगा माइनस 1 बाई 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि ओमेगा क्या है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अरे बस समझे, एक रिजल्ट हम लोग को पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 0। अच्छा हम लोग को निकालना क्या है यहाँ 1 प्लस ओमेगा 2 ओमेगा, तो 1 प्लस पहले ओमेगा को एक साइड करते हैं, ये माइनस ओमेगा को दूसरे साइड ले जा रहे हैं। अब हम लोग चाहिए क्या 2 ओमेगा चाहिए, यहाँ पर 2 ओमेगा है ना, तो दोनों साइड ओमेगा ओमेगा क्या करते हैं ऐड कर देना है, यहाँ 1 प्लस 2 ओमेगा हो जाएगा, यहाँ ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये फर्स्ट चीज मिल गया। अब यहाँ 2 प्लस ओमेगा चाहिए, 1 प्लस ओमेगा जो इससे था 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, अब 2 ओमेगा यानी कि दोनों साइड 1 1 ऐड कर देंगे तो 2 प्लस ओमेगा और यहाँ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये बात समझ में आया, ठीक है वेरी गुड। अब जिसको फाइंड करना है उसको लिख लेते हैं,
जैसे कि 1 by 1 plus 2 omega plus 1 by 2 plus omega minus 1 by 1 plus omega, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। जो हम लोग अभी यहाँ निकाल लिए, जैसे कि 1 plus 2 omega का वैल्यू लिख देते हैं, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस प्लस 1 by 2 omega को क्या लिखेंगे, 1 minus omega square माइनस 1 by 1 plus omega, ये सही है यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ से एक लाइन और हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ से ओमेगा कॉमन ले सकते हैं, 1 minus omega बच जाएगा, फिर प्लस 1 by इसको लिख सकते हैं 1 minus omega और 1 plus omega ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर इसको लिख सकते हैं 1 plus omega, ठीक है। अच्छा, इतना लिखने के बाद हम लोग और इसको लिख सकते हैं क्या, इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं एक बार। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका ओमेगा स्क्वायर, देखो आप लोग खुद से कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इंटू यहाँ पर 1 plus omega, 1 plus omega को हम लोग 1 plus omega को हम लोग ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, 1 plus omega को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 plus omega minus omega square, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 1 minus omega square हम लोग का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ओमेगा इंटू 1 plus omega, ओमेगा इंटू 1 plus omega, फिर बचेगा क्या, प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या बचेगा, प्लस क्या आएगा, 1 minus omega square। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हम लोग का बचेगा क्या, 1 plus omega plus omega square बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 minus omega square, तो ये ऊपर 0 by something, यानी कि 0 by something क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 0। आई बस ऑन में इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले अगर कोई किसी को अगर वैसे पसंद नहीं है तो डायरेक्ट इस दोनों को सॉल्व कर लो, फिर उसके साथ इसको कर लो, या डायरेक्ट पहले इसको सॉल्व कर लो फिर कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर जाएगा लेकिन आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। मेन हम लोग को ये रिजल्ट पता होना चाहिए और इससे जो भी ये आया हमने निकाल लिया, तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए क्या, इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 plus omega square इक्वल टू इतना, देन यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है थोड़ा सा, देन यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू लिस्ट वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिस्ट वैल्यू ऑफ एन निकालना है, चलो इसको करते हैं, 1 plus omega square टू द पावर एन इक्वल टू 1 plus omega टू द पावर 4 टू द पावर एन, ये दिए हुए हैं। अच्छा, तो 1 plus omega square जैसे कि हम लोग को पता है 1 plus omega plus omega square इक्वल टू क्या होता है, 0, यानी कि 1 plus omega square इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा टू द पावर क्या हो जाएगा, एन, और 1 plus ये हो जाएगा ओमेगा, 1 plus omega power n, तो यहाँ से 1 plus omega का वैल्यू क्या हो जाएगा, -omega square, ठीक है, तो माइनस ओमेगा और ये n, यहाँ पर हो गया क्या, 1 plus omega to the power कितना, सॉरी 1 plus -omega to the power n, ये दोनों वैल्यू इक्वल है कब, जब ये लिस्ट वैल्यू, तो 3 का अगर हम लोग यहाँ पर 3 करेंगे, n का वैल्यू 3 लेंगे तो ओमेगा का पावर क्यूब हो या ओमेगा का पावर 6 हो जो भी आएगा तो उससे ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, तभी तो बैलेंस होगा, यानी कि n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 यहाँ से, क्योंकि अगर 3 होगा तभी यहाँ पर तो -1 और -1 इक्वल आएगा, तो लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, ऐसे 6, 9 सब हो सकता है, 3 के मल्टीपल में जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा, लेकिन हम लोग को पूछ रहा है क्या यहाँ पर, लिस्ट क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3, अगर समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन था ही, तो लेस लिस्ट वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन हम लोग का जेई का आ गया। क्वेश्चन बोला है इफ आयोटा इक्वल टू रूट अंडर -1 देन 4 + 5 इतना समथिंग, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तब इसका एक वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देखो इसको अगर ध्यान से देखा जाए, हम लोग पता है कि ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू -1 + √3 iota/2 और ओमेगा स्क्वायर का बात किया जाए तो क्या होता है -1 - √3 iota/2। ये हम लोग कर चुके हैं पहले क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी में। ध्यान से देखो तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ओमेगा है, और ये भी वैल्यू क्या है, ये भी वैल्यू ओमेगा है, ये दोनों ओमेगा है, तो यानी कि कुल मिलाकर 4 + 5 ω^3 4 + 3 ω^3 6 5 इसी का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो 4 + 5, अब ये ओमेगा टू दी पावर 3 3 4 को हम लोग को 3 से डिवाइड करना है, कितना में जाएगा, 3 1 जा 3 कैंसिल 3 1 जा 3 कैंसिल, फिर बचा 4 3 1 जा 3, यहाँ बचेगा रिमाइंडर 1, यानी रिमाइंडर 1 का मतलब क्या हो गया, ये ओमेगा बचेगा। ठीक है, फिर प्लस 3 और उसी तरह 365 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ तक तो सबको समझ में आ सकता है, लेकिन इसके बाद अब कैसे करें, इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को कुछ ऐसा ऑप्शन दिए हुए हैं, इस ऑप्शन से टैली कराना है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग 4 को लिख सकते हैं क्या 1 + 3, और 5 ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 5 ओमेगा को भी 2 ω + 3 ω लिख सकते हैं क्या, और +3 ω² ऐसे। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है अभी समझ में आएगा। जैसे कि अब क्या करेंगे हम लोग, ये 3 3 ω 3 ω² को एक साथ कर लेंगे, और ये 1 + 2 ω को अलग कर देंगे, और +3 + 3 ω + 3 ω² को एक साथ कर देंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 1 + 2 ω क्या लिखेंगे, 1 + 2 ω, और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3 कॉमन यहाँ से लेते हैं क्या बचेगा, 1 + ω + ω² आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, +3 1 + ω + ω² ये आ जाएगा, 1 + 2 ω + 3 × 0 0 आ जाएगा, यानी कि 1 + 2 ω, ये हम लोग का आंसर हो सकता था, लेकिन ऑप्शन देखने पर हम लोग पता चल रहा है ऑप्शन कुछ ऐसे लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, यानी कि ओमेगा हटाना है, ऑप्शन में ओमेगा है नहीं, ओमेगा का वैल्यू लिख दो, यानी कि 1 + √3 iota/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचा क्या, 1 + √3 iota और इधर का 1 प्लस, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग कितना, 2 + √3 iota, ये हो जाएगा 2 प्लस, सॉरी माइनस वन होता है ना, यहाँ माइनस वन होता है ना, -1, तो ये माइनस रहेगा हम लोग का, ये माइनस, अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म, √3 iota हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, √3 iota, सी ऑप्शन। ठीक है, तो आज ये 7 क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझो, और इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं लेकर आऊँगा, 2 सेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर का कम से कम 12-15 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। इसी तरह हर चैप्टर से अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाकर मैं डेली अभी कराती जाऊँगा आप लोग को, इसको ध्यान से करो। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।